हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब जी टी वी क्लासेस। बेटा अज आप करांगे सी लैंग्वेज की होंगी है। सी लैंग्वेज का मतलब होंगे कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज मीन्स जो कंप्यूटर केड़ी लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर देगा उस दे बारे आप पढ़ांगे। तो सब तो पहले मैं थोड़ा दसना चाहूंगी कि हिस्ट्री की है। सी लैंग्वेज ये डिवेलप कदों हुई है? 1972 दे विच ये डिवेलप हुई है। किथे हुई सी? एटी टेल बैल लबोरटरी, जो कि साड़ी यह लबोरटरी यूएसए दे विच है, उत्थे की हुई सी यह डिवेलप हुई सी। हुण सी लैंग्वेज तो पहला साड़ी कोल एक बी लैंग्वेज डिवेलप हुई सी। बी लैंग्वेज डिवेलप हुई सी, इस तो बाद इस दे विच थोड़ी जी मोडिफिकेशन करके इस लैंग्वेज नू अगे प्रमोट करता, जिसनू असी सी लैंग्वेज का नाम दिने, यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज का नाम दिने, जिस दे अंडर असी प्रोग्रामिंग करदे आ, जिसनू असी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह दिंदे आ। हुण सी लैंग्वेज किने डिवेलप कीती सी, मीन्स किसने इस दा इनवेंशन कीती सी? डेनिस स्टिचेस ने इस दी की कीती सी डिवेलपमेंट कीती सी। ता सी लैंग्वेज की है साडे कोल बेटा? अगे हैगे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है और फ्लैक्सीबल लैंग्वेज है, क्योंकि जो अपने को सी लैंग्वेज डिवेलप हुई है तो यह बहुत ज्यादा सिंपल से ईजली अंडरस्टैंड किया जा सकता सीगा, और फ्लैक्सीबिलिटी सी ये लचीलापन बहुत ज्यादा सीगा। दैन है कि प्रोग्राम रिटन इन द सी लैंग्वेज फॉर वन कंप्यूटर कैन कंपाइल एंड एग्जीक्यूट इन द अदर कंप्यूटर आलसो, मीनस ए फ्लैक्सीबिलिटी पाई जाती है। इसका मतलब की हैगा कि इस सी लैंग्वेज आप एक कंप्यूटर ते कंप्यूटर ते प्रोग्रामिंग लिखते हैं, जो भी आप प्रैक्टिकल करते हैं कंपाइल करते हैं, एंड उन्हें असी अगले किसी होर कंप्यूटर ते भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसलिए इन्हें असी फ्लैक्सीबिलिटी का नाम दे देने। अगे की है? सी लैंग्वेज हैव द सच सैट ऑफ द लाइब्रेरी फंक्शंस एंड कीवर्ड्स, मीन्स जो सी लैंग्वेज बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस और कीवर्ड्स पाए जाते हैं। कीवर्ड्स तुहानू अगे दसूंगी बेटा, डाटा टाइप्स करांगे आपां, कीवर्ड्स की हुंदे ने, फंक्शंस की हुंदे ने, इन्हां सब दे बारे आपां पूरा पूरा चैप्टर करांगे। नैक्सट है अपने कोल सी लैंग्वेज इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब की हुंदे राजी? कि इहदे विच असी अपर केसिस भी यूज कर सकते हैं ते लोअर केसिस भी यूज कर सकते हैं। लोअर केसिस मीन जिवें ए टू जेड ए यूज कर सकते हैं, अपर मीन्स कैपिटल लैटर दे विच असी यूज कर सकते हैं। ये करैक्टर सैट होंगे ने जिन्हों नू असी इस लैंग्वेज दे विच यूज करते हैं। नैक्सट अपने कोल सी लैंग्वेज कैन बी यूज टू डिवेलप द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम नू डिवेलप करने के लिए सी लैंग्वेज हैगी है, मीन्स विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम असी कोई भी सॉफ्टवेयर नू नहीं चला सकते। अगर साडे कंप्यूटर दे विच फर्स्ट ऑफ ऑल की है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की हुंदा बेटा? कि अपने को लार्ज स्केल दी का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुंदा हैगा, जो सारे सॉफ्टवेयर नू इंस्टॉल करन दे विच हेल्प करदा साडे को। सी लैंग्वेज ऑफन नॉन द मिडल लैवल लैंग्वेज, मीन्स भी जड़ी सी लैंग्वेज है ओनू असी ज्यादातर मिडल लैवल लैंग्वेज कह देने हुंदे आ। क्यों? क्योंकि इट्स सपोर्ट्स अ बोथ लो लैवल लैंग्वेज एंड हाई लैवल लैंग्वेज। यह दोनों लैंग्वेज नू सपोर्ट करदी है, लो लैवल लैंग्वेज नू ते हाई लैवल लैंग्वेज नू भी, तां करके असी इहनू मिडल लैवल लैंग्वेज भी कह देने आ। सी लैंग्वेज इज अ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज यूजर डिवाइड द प्रोग्राम इन टू द स्मॉल मोड्यूल्स एज नोन द फंक्शन, मीन्स एदा मतलब किंदा है कि जो साडे कोल सी लैंग्वेज है बेटा, वो साडे कोल एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है लैंग्वेज। एक स्ट्रक्चर का मतलब की हुंदा है कि अपने कोल कित्थों स्टार्टिंग होएगा, जिवें कि अपने कोल फॉर एग्जाम्पल आप लैने, वैसे आप प्रैक्टिकल दे विच करांगे कि जिवें आपने एदे विच हुण सब तो पहला तो आपने वाइड मेन तो प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे, दैन इंटीजर ए बी सी आपने इहदे विच वेरीएबल लै ले, सो ऑन स्टेटमेंट्स वगैरह लै लिया, एक एक स्ट्रक्चर दे तौर दे उपर चलती है। जिवें सब तो पहला अपने कोल इनिशियल हुंदा कि आपने वाइड मेन लैना ही लैना, फिर आपने स्टार्टिंग ब्रेसिस लैने ही लैंदे ने। एक स्ट्रक्चर का मतलब हुंदा है एक प्रोसीजर, यानी कि एक प्रोसीजर नू फॉलो करके ही चीज चलती है। मीन्स अपने कोल हुण जिवें फॉर एग्जाम्पल अपने कोल काउंटिंग है, आप काउंटिंग 1, 2, 3, 4 अप टू 1000 तक लिखांगे, जिवें 1 तो बाद 2 आंदा, 2 तो बाद 3 आंदा, एक स्ट्रक्चर है इहदा भी, एक प्रोसीजर हैगा कि 1 तो। उसी तरीके दे नाल जो सी लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जांदा है इसनू,
क्यों? क्योंकि जिहड़ा यूजर है वो अपने प्रोग्राम नूं जो लार्ज स्केल का प्रोग्राम हुंदा है उन्हों छोटे छोटे मड्यूल्स दे विच डिवाइड कर देता, मड्यूल मीनस पार्ट्स च डिवाइड कर देने, जिसनों आपां सब रूटीनस भी कह देने आ, जिसनों आपां सब रूटीनस भी कह देने आ, सब रूटीनस मीनस जिसनों आपां फंक्शनस भी कह देने आ। नैक्सट है अपने कोल प्रोग्राम रिटन इन द सी लैंग्वेज आर ईजी टू डिबग। डिबग का मतलब हुंदा है एरर रिमूव करना, मीनस सी लैंग्वेज दे विच की गई है कि असी इसनू इहदे विच जो भी असी प्रोग्राम बना रहे हां उसनू असी एरर नू इजली रिमूव कर सकते हैं। नैक्सट है साडे कोल सी लैंग्वेज इज आलसो बी डिवाइडेड फॉर द रिटन एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर द साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड बिजनेस एप्लीकेशन दे लई वी असी इसनू यूज कर सकते हैं सी लैंग्वेज नू। लार्ज स्केल दे जो बिजनेस वगैरा ने उच जो बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे ने जां इंजीनियर हैगे ने उह इहदे विच प्रोग्राम नू राइट करदे ने इस लैंग्वेज दे विच। दैन बेटा हुण अपने कोल थोड़ा मैं दस दी हां कि इह की हुंदा, प्रोसैस की है दा कि फॉर एग्जाम्पल इहदे विच हुण यूजर है, यूजर कौन है? आपां, प्रोग्रामर जो इस प्रोग्राम नू बना रहा है। प्रोग्रामर कौन है? कोई इंजीनियर हो सकदा है, कोई साइंटिस्ट हो सकदा है, जो आपां यूजर, इन्हां सारयां नू आपां यूजर कहिंदे आ। तां इसने की करना है, इसने कंप्यूटर नू इंस्ट्रक्शनस देनियां ने। इंस्ट्रक्शनस मीन्स कोई भी कमांड देनी है, मीन्स उहने की कम करना है। फॉर एग्जाम्पल आपां हुण कैलकुलेटर दे विच 5+3 करदे आ, इजिकल टू 8 किवें आ जांदा? ऑटोमैटिकली 8 आ जांदा ना। ਇਹ 8 ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੋਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਜਸਟ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ, ਬਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੈਂਬਲਰ ਹੋਇਆ, ਅਸੈਂਬਲਰ ਹੋਇਆ, ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਹੋਇਆ, ਕੰਪਾਈਲਰ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਬਾਈਨਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਨਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੀਨਸ 0 to 1 ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਲਸੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਸੀ? ਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੇਸਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ। ਬਟ ਸੀ ਤੋਂ, ਸੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ? C++, ਸੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਅੱਗੇ C++, ਜਾਵਾ, C#, ਵਿਲ ਬੀ ਈਜ਼ੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਚ ਆ ਗਈ, ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ C++, ਜਾਵਾ, C#, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਬਾਏ ਬਾਏ।